क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इंडिया में जैसे डे टू डे बेसिक पे जैसे हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे ही अमेरिका के लोग डे टू डे बेसिक पे क्या खाते हैं और उनका जनरल फूड क्या है। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, उसी प्रकार दुनिया के अमीर आदमी सब अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, जैसे बिल गेट्स, अंबानी और जेफ बेजोस, ये अपने लाखों खरब रुपए कहाँ रखते हैं। और क्या आपको पता है कि एटीएम का पूरा मतलब क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानोगे ना कि आपके मुंह से बस यही निकलेगा, आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक मल्टी ईयर रिसर्च में पाया गया था कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाने वाला खाना पोटैटो चिप्स है। याद रखना इस फैक्ट को, पोटैटो चिप्स से जितना वेट बढ़ता है ना, उतना किसी से नहीं बढ़ता। हम लोग बोलते हैं कि पिज्ज़ा बर्गर से ज़्यादा वेट बढ़ता है, पर नहीं, ये गलत है। कैलोरीज नहीं, पर कुछ और ही मिस्टीरियस वजह है। आलू चिप्स सच में दोस्तों यही है। फैक्ट नंबर 6, कि आपको पता है कि आपकी आईब्रोज हर 64 दिन में रिन्यू होती है। फैक्ट नंबर 5, जनरली आम लोग तो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, पर बिल गेट्स, अंबानी जैसे लोग अपने पैसे को कहाँ रखते हैं। अपने लाखों खरब रुपए वो अपने बैंक में तो नहीं रख सकते, क्योंकि चोरी होना, डाका डालना और घोटाले करना, बैंक का बंद हो जाना, बैंक में हमेशा रिस्क बना होता है। इसका आंसर है कि जो अपने संपत्ति को लाखों करोड़ रखते हैं ना, उनका 90% वेल्थ लिक्विड रूप में नहीं होता, उनका जमा हुआ पैसा नहीं होता, उनका इन्वेस्टमेंट में बटा हुआ होता है, अलग अलग कंपनियों में बटा होता है, जैसे गूगल में, जियो में, इस सब में उनका कुछ ना कुछ शेयर रहता है। और उस कंपनी में है ना थोड़ा शेयर, उस कंपनी में थोड़ा शेयर, ऐसे ऐसे इन लोगों का रहता है पैसा, और लिक्विड में नहीं रहता है। इन लोगों का जो पैसा है ना, जमीन जायदाद मिलाकर जो नेटवर्थ तय किया जाता है कि इनका नेटवर्थ यह है। फैक्ट नंबर 4, आप लोग तो रोजाना वीडियो डालते होंगे यूट्यूब पर यूट्यूब पर हर रोज लाखों वीडियो डलती है और अपलोड किए जाते हैं, पर क्या आपको मालूम है यूट्यूब पे सबसे पहले अपलोड किए जाने वाला वीडियो कौन था। यूट्यूब पर अपलोड किए जाने वाला पहला वीडियो मी एट द जू था, जो कि अप्रैल 23 तारीख को रखा गया था और इस दिन ही अपलोड हुआ था 2005 में। पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, इसके पहले यूट्यूब का नामो निशान नहीं था। फैक्ट नंबर 3, जैसे हम लोग रोज रोटी सब्जी चावल दाल खाते हैं ना ईस्टर्न कंट्री में, वैसे ही वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका के लोग क्या खाते हैं। जैसे हम लोग चावल दाल खाते हैं ना, उसी प्रकार अमेरिका के लोग सुबह उठकर ब्रेड जैम खाते हैं। जी हाँ, हमेशा नहीं, नॉर्मली ब्रेड में चीज़ लगाकर, जैम लगाकर खाते हैं, पर वहाँ का यही जनरल फूड है, यही खाना है। वहाँ तो रोटी चावल ये सब एक स्पेशल खाना हो गया, जैसे इंडिया में रोटी भात एक कॉमन फूड हो गया ना, वैसे अमेरिका में ये पूरा स्पेशल हो गया। अमेरिका में रोटी उतना फैमिलियर भी नहीं है, लेकिन उनका जो है ना कबाड़ जो होता है, ओल्ड चपाती, जैसे कि पुराने जैसे कि खाना रखा हुआ, वो सब लोग जैसे कि रोटी और भात ज़्यादा वो लोग खाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभार पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, वैसे ही वो लोग कभी कभी रोटी भात खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम लोग तो जानते होंगे कि मॉल और दुकान में कई जगहों पर आप लोगों ने एक स्कैनर देखा होगा, बारकोड स्कैनर, जो कपड़े में लगा हुआ होता है और आप लोग को स्कैन करके दे दिया जाता है। उसमें नंबर भी लिखा होता है और ब्लैक और वाइट में उसका पट्टी भी होता है, जैसे कपड़ों और खाने की चीज़ पर भी वो लगा होता है। क्या आपको पता है कि बारकोड स्कैनर जो स्कैन करता है आपके सामानों को, बारकोड में जो काला रंग का होता है ना और सफ़ेद रंग का, वे असल में ओरिजिनल वही रहता है, लेकिन जो बारकोड जैसे स्कैन किया जाता है तो वो काला तथा सफ़ेद रंग का जो रहता है ना, उसको स्कैन काला को नहीं किया जाता है, बल्कि सफ़ेद रंग से जो मार्क किया हुआ रहता है ना, काला के बीच में जो रहता है, उसको स्कैन किया जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्कैनर का यही रुतबा है, यही काम करता है, ऐसे ही वो काम करता है और आपके सामानों की स्कैन करता है, और काली पट्टी जो होती है ना, उसको स्कैन नहीं करता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है कि जैसे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम मींस ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड मतलब ऐसा मशीन जिसे बिना किसी इंसान के कि बिना किसी सहायता के खुद काम करे। टेलर मतलब एक ऐसा चीज़ जो ट्रांजेक्शन में पैसे में लेन देन जल्दी से करे।
और उससे जुड़ा हुआ कुछ भी हो। मशीन मतलब मशीन। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ताकि आप लोग अपने दोस्तों के सामने स्मार्ट बन सको। आप लोग ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा। आगे आप अगर चाहते हो ऐसे ऐसे फैक्ट को देखना, तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ।